मैकेडा टू 93 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड 2 आवर्स टाइम तो लगेगा। गेट है तो यहाँ ना एंट्री करना पड़ता है, तो लोग और 9 मिनट है मैकेडा टू रिवर में पहुँचने में। तो यहाँ ना एक व्यू पॉइंट है, तो संगमा व्यू पॉइंट बहुत 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 खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए अभी मैकेडा टू। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुमी ऑफिशियल व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं जाने वाली हूँ मैकेडाटू, मैकेडाटू संगमा व्यू पॉइंट बा कावेरी नदी। तो मैंने गूगल मैप चेक किया, बहुत अच्छा देख रहा है वो एंड बहुत सारा लोगों का यूट्यूब वीडियो में भी देखा है मैंने, तो बहुत अच्छा है एंड बहुत सारा लोग जाता है। तो अभी मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गया, तो अभी मैं निकलती हूँ रूम से। तो आप लोग कंटिन्यू देखना, वीडियो स्किप नहीं करना, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो बहुत अच्छा है, मैंने देखा है लोगों का वीडियो में भी। तो चलो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ऐसे भी आप सभी को पता है कावेरी नदी फेमस एक नदी है, तो देखना है मेरे को भी। तो चलो अभी मैं निकलती हूँ रूम से, तो मिलती हूँ आप लोगों से। तो आप लोग कंटिन्यू देखना वीडियो इसके। तो फ्रेंड्स मैं अभी निकलती हूँ, तो मेरा रूम से मैकेडा टू 93 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड 2 आवर्स टाइम तो लगेगा, 2 आवर्स 14 मिनट्स। तो चलो निकलती हूँ रूम से। अभी हम लोग पहुंचने वाला है और 16 मिनट है, तो यहाँ एक गेट है, तो यहाँ ना एंट्री करना पड़ता है। तो यहाँ गाड़ी रुका है और हम लोग भी रुकना पड़ा ऑलमोस्ट और 13 मिनट्स। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, और आज ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। हम लोग ने नाइसूर रूट से आया एंड ये कनकपुरा रूट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा आज। वो यहाँ ना एंट्री गेट है, पुलिस भी है यहाँ। अभी हम लोग और 9 मिनट है मैकेडा टू रिवर में पहुंचने में। तो यहाँ ना एक व्यू पॉइंट है, तो संगमा व्यू पॉइंट बहुत 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 खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हो पूरा यहाँ पूरा एरिया, पूरा हम लोग पहाड़ है, इतना खूबसूरत व्यू है, आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोग मैकेडा टू में आया तो ये जरूर विजिट करना, बहुत बहुत खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हो गाड़ी है, तो सब लोग सेल्फी एंड थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत एंड बहुत अच्छा है, और भी गाड़ी आ रहा है। तो चलो थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, इतना खूबसूरत व्यू मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा है।
फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाया कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल है, तो मेरे को तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेके साइड में वो साइड में गाँव भी है, कितना खूबसूरत व्यू है ये। तो चलो अभी यहाँ से निकलती हूँ सीधा मेकाडाटो जाके मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये व्यू पॉइंट, अगर आप लोग मेकाडाटो आए तो ये व्यू पॉइंट को जरूर विजिट करना, बहुत बहुत खूबसूरत है। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए अभी मेकाडाटो, बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत सारा लोग है। तो यहाँ गाड़ी पार्किंग है, तो हम लोग ने गाड़ी पार्क करके चला है अभी इस साइड में। तो आगे देखती हूँ, बहुत सारा लोग है यहाँ। एक मिनट फ्रेंड्स आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट करके बताना। बोले अभी ना पानी बहुत 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 ज़्यादा कम है, बिकॉज अभी बारिश नहीं है इसलिए, और बहुत सारा लोग है आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो जब ये बारिश का टाइम, और थोड़ा बारिश होना चाहिए एंड यहाँ पानी ज़्यादा होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। तो फिर भी बहुत सारा लोग है एंड मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को किसका किसका अच्छा लगा कमेंट करके बताना, एंड व्यू बहुत खूबसूरत है। तो चलो यहाँ से निकलती, कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।